Assalamualaikum. आप सभी को रमजान का अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम अ मुस्लिम. इस्लाम सिखाने वाले बहुत हैं, बट मैंने भी कुरान शरीफ जो है वो दो बार पढ़ी है फुल कंप्लीट. मैं अपना इस्लाम बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ. इस्लाम में ये भी है कि आप किसी और को प्रेशर करके सिखा नहीं सकते. तो भाई जब खुदा के पास जाएंगे आप अपने लिए जवाबदार होंगे, मैं अपने लिए, तो क्यों सिखाना किसी को. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान रिएक्शन. वाली मालिनी वीडियो का रिएक्शन लगा, इसका टाइटल है कोई भी जबरदस्ती किसी को इस्लाम नहीं सिखा सकता. मैं इस्लाम को बहुत अच्छे से जानती हूँ. ज़रीन खान ने देखते हैं इस वीडियो में क्या बोला है, उसके बाद हम इसका सही जवाब डॉक्टर जाकिर नायक सर से जानेंगे. मेरे भाई वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखना है. और वीडियो पसंद है तो वीडियो प्यारा से लाइक कर देना. तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को रमजान का अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम अ मुस्लिम. इस्लाम सिखाने वाले बहुत हैं, बट मैंने भी कुरान शरीफ जो है वो दो बार पढ़ी है फुल कंप्लीट. मैं अपना इस्लाम बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ. इस्लाम में ये भी है कि आप किसी और को प्रेशर करके सिखा नहीं सकते. तो भाई जब खुदा के पास जाएंगे आप अपने लिए जवाबदार होंगे, मैं अपने लिए, तो क्यों सिखाना किसी को. अल्लाह सुभाना व तआला अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में सबसे पहली हिदायत देते हुए ये नहीं कहते कि आप नमाज पढ़ो, आप ज़कात दो, आप रोज़ा रखो, आप हज करो. लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला कुरान मजीद में सबसे पहला पैगाम इंसानों को देते हैं वो है इकरा, पढ़ो. लेकिन अफसोस की बात है कि कई मुसलमान नहीं पढ़ते. अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिन आयतों की तिलावत मैंने की थी मेरी तकरीर की शुरुआत में, सुर इकरा या सुर अलक, सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1-5, जहां अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमा इंसान मा लम यालम. इकरा, पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ अपने रब के नाम के साथ. इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है. खलकल इंसान मिन अलग, जिसने पैदा किया इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े के साथ. इकरा रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब करम वाला है, तुम्हारा रब एहसान करने वाला है. अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम का इस्तेमाल सिखाया. अल्लमा इंसान मा लम यालम, इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानते थे. सबसे पहली हिदायत अल्लाह सुबहाना व ताला सारे इंसानियत को देते हैं कुरान मजीद में वो है इकरा, पढ़ो. अफसोस की बात है कि हम मुसलमान तीन ग्रोहों में बटे हुए हैं. जैसा मैंने कहा कि पहला ग्रोह काफ़ी तादाद में है जो पढ़ना नहीं चाहता. दूसरा ग्रोह मुसलमान का है जो पढ़ता तो है लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला की सिर्फ आधी हिदायत पे अमल करता है. वो सिर्फ पढ़ता है लेकिन रब के नाम के साथ नहीं. वो पढ़ता तो है इकरा लेकिन रब के नाम के साथ नहीं. ये अल्लाह सुबहाना व ताला की आदि बात पे अमल करते, पढ़ते तो है लेकिन रब के नाम से नहीं. वो तालीम हासिल करते हैं, वो वेस्टर्न तालीम से इतने मुतासर है कि तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन वो तालीम इंसान को रब के नज़दीक नहीं लेके जाती. जो तालीम इंसान को अपने खालिक के करीब नहीं लेके जाती, इस दुनिया में शायद उसका फ़ायदा हो ना हो लेकिन आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है. ये इल्म का कोई फ़ायदा नहीं. मुसलमान का तीसरा ग्रोह है जो सिर्फ रब का नाम ले रहे हैं, रब का नाम ले रहे हैं लेकिन अल्लाह की हिदायत पे अमल नहीं करते, अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते. हम मुसलमानों में से बहुत कम लोग हैं, अगर आप चौथा ग्रोह कहना चाहते कह सकते, लेकिन बहुत कम तादाद में हैं जो अल्लाह की पूरी हिदायत पे अमल कर रहे हैं. अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्म रब्बिका, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ. पढ़ना ज़रूरी है, तालीम हासिल करना ज़रूरी है लेकिन वो तालीम दोनों जहाँ के लिए होना चाहिए, फिर ही आपको इंशाअल्लाह इसका सही फ़ायदा हासिल होगा. हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस में इसका जिक्र आता है इब्ने माजा हदीस नंबर 224 में, अल्लाह के रसूल फरमाते तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो. अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो. अक्सर हम इंसान समझते हैं कि इल्म और तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है, कॉलेज में हासिल की जा सकती है या यूनिवर्सिटी में हासिल की जा सकती है. लेकिन इंसान का सबसे बेहतरीन दरसगाह, सबसे बेहतरीन मदरसा है उसका अपना घर, और सबसे बेहतरीन मदरसा है
उसकी वालदा। वालदा इंसान की सबसे बेहतरीन मुदर्रिसा है, सबसे बेहतरीन टीचर है, और वालदेन का फ़र्ज है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम दे। हम आज दुनिया में देखते हैं कि कई किस्म के माशरे हैं, कई किस्म के सोसाइटीज़ हैं। कुछ सोसाइटी इस्लामिक है, कुछ सोसाइटी दिगर मज़ाहिब के बुनियाद पे है, कुछ लोग रह रहे हैं मगरबी माशरे में, वेस्टर्न सोसाइटी में, कुछ रह रहे हैं ईस्टर्न सोसाइटी में, मशरकी माशरे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया है और अपने एहसान इंसानियत पे कामिल किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में, सूरह 5 आयत नंबर 3 में, क्या इस दिन अल्लाह सुबहाना व ताला ने हम इंसानों के लिए उनका दीन मुकम्मल किया। दीन मुकम्मल होने के बाद कुछ भी नई चीज दीन में जोड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी निकाली नहीं जा सकती। बेसिक बुनियादी बातों में से कुछ भी नई चीज जोड़ा नहीं जा सकता है, कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है। अल्लाह सुबहाना व ताला ने 1400 साल पहले हमारे दीन को मुकम्मल किया। आप कोई भी माशरे में जी रहे हो, चाहे वो मगरबी हो चाहे मशरकी हो, अगर वो माशरे की बातें, तहजीब अगर कुरान या हदीस के खिलाफ नहीं है, कुरान या हदीस से टकराती नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप उस पर अमल करते हो। लेकिन अगर उस माशरे की कोई भी बात कुरान और हदीस से टकराती है, तो हम मुसलमानों के लिए उस पर अमल करना हराम है। हम देखते हैं आज खुसूसन मगरबी माशरे में, मगरबी तालीम के ज़रिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इखलाकी बातों में हम नीचे जा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरबी ममालिक तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इखलाकी बातों में हम हक से दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इस माशरे में शराब आम हो रही है, ड्रग्स आम हो रहे हैं, फैयाशी आम हो रही है, बलात्कार आम हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इस माशरे में, वेस्टर्न माशरे में लिबास कम पहना जा रहा है, और जितना लिबास कम पहनते हैं उतना माशरा कहते हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है, हमारे अखलाक गिरते जा रहे हैं। इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है, जिसके मानी है अमन सलामती। इस्लाम लफ्ज आता है सिल्म से, जिसके मानी है अपनी जिंदगी अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकाम के मुताबिक बसर करना। इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। और अगर माशरा इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उन चीज़ों पे अमल करते हैं, लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बने, हमारे बच्चे जिना करने वाले बने, हमारे बच्चे बलात्कार करने वाले बने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब इंसान जब बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है। दीनुल फित्र, ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह का कहना माने। उसके बाद बच्चे के वालदेन, बच्चे के बड़े, बच्चे के टीचर हो सकता है कि उस इंसान को बहकाए और वो आग को पूछने लगे, बुत परस्ती करने लगे और गलत राह पे जा सकते हैं। लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान बन के पैदा होता है। अगर वालदेन उन्हें सही तरबियत देते हैं तो वो इस्लाम पे कायम रहता है, वरना वालदेन के वजह से, बड़ों के वजह से, टीचर के वजह से वो भटक सकता है। इसीलिए जब भी कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ट, या उर्दू में कहते हैं नव मुस्लिम। ये नव मुस्लिम लफ्ज बिल्कुल गलत है, नव मुस्लिम या कन्वर्ट बोलना गलत है। सही लफ्ज अंग्रेजी में होगा रिवर्ट, या उर्दू में मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम, फिर वो भाग के गैर मुस्लिम बनता है, जब वो वापस सीधे राह पे आता है। सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम। नव मुस्लिम मतलब नया मुस्लिम, यह गलत लफ्ज है। कन्वर्ट भी अंग्रेजी में गलत है, रिवर्ट मतलब वो पहले सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे चल पड़ा, फिर वापस से ही सही रास्ते पे आया। इंग्लिश में कहेंगे रिवर्ट, और उर्दू में, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। नव मुस्लिम ये लफ्ज गलत तो है। तो नाज़रीन ये थी वीडियो, में उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सर का बहुत ही जबरदस्त बयान रहा। आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। और गाइस मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है आलमी फैक्ट्स 1M, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।